यस एवरीवन, सो कल अपने ने किया था पर्सनल सेलिंग, राइट? सो किसी को कोई डाउट कुछ भी पर्सनल सेलिंग वगैरह में, एडवर्टीजमेंट में, किसी का कोई डाउट निकला हो? एनीवन? नो? आगे बढ़ते हैं, चलो। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रमोशन का थर्ड, दैट इज थर्ड पार्ट, दैट इज सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। कौन से हमारे पास पर्सनल सेलिंग तो हम लोगों ने की, एडवर्टीजमेंट हम लोगों ने की, इसके अलावा हमारे पास प्रमोशन करने का एक ये तरीका है। तो आपको क्या लगता है सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स कौन सी हो सकती है? हम लोग और अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, क्या करें? और कुछ ऑफर्स दें या फिर और क्या करना चाहिए अपने को? चलो अपना चैट बॉक्स जरा ओपन कर दीजिए एवरीवन। हाँ, रिटेलिंग पर्सनल सेलिंग आ ही जाएगा ना उसके अंदर, कुणाल पर्सनल सेलिंग ही करता है ना वो, रिटेलर्स तो। यस ऑफ कोर्स। मैंने कल ही तो बताया था कि पर्सनल सेलिंग कैसे भी हो सकती है, डोर टू डोर हो या फिर रिटेलिंग से थ्रू हो या फिर रिटेलर के थ्रू हो या तो फिर ऑनलाइन भी हम लोग बोल सकते हैं, बट पर्सनल सेलिंग में कम डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। पर्सनल सेलिंग में ऑनलाइन नहीं आ जाता है। हाँ, ऑनलाइन नहीं आएगा, वो डायरेक्ट सेल्स में आएगा। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वैसा था। ओके, क्या करें हम लोग? डिस्काउंट्स दे। ओके, एक हमारे पास, भाई आप जो जो बोलते जाओगे मैं लिखती जाऊंगी, डिस्काउंट्स। ओके, कैसा डिस्काउंट दे हम लोग? अच्छा, कुछ कॉम्पिटिशन्स रखें। ओके, ये चीज भी पहले इस पे बात कर ले कि कैसे डिस्काउंट्स देने चाहिए हम लोगों को। अपना प्रोडक्ट बेचना हो आपको तो क्या, और क्या करोगे? डिस्काउंट्स वगैरह कैसे दोगे? 40% ऑफ, ओके, 20% ऑफ, ठीक है, ओके, फाइन। तो नेक्स्ट आपने बोला कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करना, ठीक है? कॉम्पिटिशन कौन ऑर्गेनाइज करता है डिस्काउंट में? तो आपने बताया भाई 20% ऑफ कर दिया, ठीक है, या फिर 30% ऑफ। कॉम्पिटिशन में कौन कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करता है, आपने देखा हो ऐसा कुछ? कंपनी, कौन सी कंपनी? तो मैं एग्जाम्पल लिखूं यहाँ पे, आपने देखा हो कोई कंपनी ऐसे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करती हो? कॉम्पिटिशन कोको कोला एंड पेप्सी कैसे ऑर्गेनाइज करती है कुणाल, जरा बताना तो मेरे। ये कंपनीज कैसे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करती है, क्योंकि मैंने नहीं सुना है कभी कोको कोला एंड पेप्सी के रिलेटेड। होता भी हो बट मैंने नहीं सुना। मैंने टेस्ट मोस्ट ऑफ सेम है बट प्राइसिंग, हाँ प्राइसिंग अलग है, बट मैं कंपटीशन की बात कर रही हूँ कि कौन सी कंपनीज कंपटीशंस वगैरह ऑर्गेनाइज करती है, और बदले उसके रिटर्न में जो कंपटीशन का गिफ्ट भी होता है ना, वो उसकी खुद की कंपनी के प्रोडक्ट्स ही होते हैं। ऐसी कोई कंपनी आपने देखी है? मैं लिखती हूँ यहाँ पे नाम, ये कंपनी के बारे में सुना है आप लोगों ने? नवनीत। नवनीत कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करती हो और रिटर्न में नवनीत के ही कुछ प्रोडक्ट्स होते हो, यस और नो? ऐसा सुना है आप लोगों ने या देखा हो, या आपने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो नवनीत के? फिर नवनीत की बुक्स
और या तो फिर नवनीत के कलर्स और ऐसे सब कुछ मिला हो. सो ऐसे बहुत सारी कंपनीज है स्टेशनरीज आइटम्स रिलेटेड जो कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करती है. और रिटर्न गिफ्ट क्या होता है, उनका जो भी जीतता है जो भी कॉम्पिटिशन में, तो उनको रिटर्न क्या मिलता है, उनके कंपनी के ही प्रोडक्ट. सो ये दिस इज ऑल्सो द वे, दिस इज ऑल्सो द टेक्निक. ये भी एक टेक्निक है सेल्स प्रमोशन की. ओके okay, और बीच में किसी ने, एक ने बोला था बाय वन गेट वन, वो भी देखा था मैंने भाई, बाय वन गेट वन वाली ऑफर, गेट वन या टू जो भी, व्हाटएवर कुछ भी हो. ओके okay. और एक और किसी ने कुछ बोला था, क्या बोला था एक और, मैंने जस्ट पढ़ा था, कूपन्स. ओके कूपन्स कहाँ पे कूपन्स मिलते हैं और ये बाय वन गेट वन भी कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, मेरे को बताओ आप अगर बोल रहे हो तो. कूपन्स कहाँ पे, ब्रांड फैक्ट्री. ओके ब्रांड फैक्ट्री या इवन वेस्ट साइड में भी, यस कूपन्स, यस ऑफ कोर्स. ओके वेस्ट साइड में ठीक है. और बाय वन गेट वन आपको जनरली जो ब्रांडेड शोरूम्स होते हैं उनमें आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट, जो भी ब्रांडेड शोरूम्स उनके होते हैं ना, या तो हम लोग बोल सकते हैं शॉपर स्टॉप और फिर पीटर इंग्लैंड, ऐसे सब जो ब्रांडेड शॉप्स होती है उनमें आपको ये बाय वन गेट वन वाला ऐसे सब चीजें मिलता है, राइट. और अच्छा कोलगेट के साथ ब्रश फ्री. ओके तो ये सब चीजें हम लोग एडिशनल चीजें डाल सकते हैं एक्स्ट्रा गिफ्ट में, भाई कुछ एडिशनली फ्री दे हम लोग, एडिशनल गिफ्ट्स हो. सो एडिशनल गिफ्ट्स में हम लोग ये चीज डाल सकते हैं क्या, कोलगेट के साथ, कोलगेट और उसके साथ ब्रश, या बड़ी कोलगेट के साथ छोटी कोलगेट फ्री ऐसा, और या तो हाँ हैंडलूम्स में भी ऐसा सब कुछ होता है, बाय वन गेट वन ऑफर्स होते हैं. यस मॉइस्चराइजर्स पे भी बाय वन गेट वन होते हैं. यस एक सेकंड मुझे ना हर्षा का पढ़ने दो, हर्षा ने क्या लिखा है, अनएकेडमी ऐप पे क्विज कॉम्पिटिशन रखा था, उसमें फिर जो जीतेगा उसको उसको कैश प्राइस, ओके कैश प्राइस, ताकि लोग उनके ऐप को डाउनलोड करें. ओके फाइन, हाँ तो ये सब प्रमोशन के जरिए ही है ना, जस्ट हाँ. फिर लकी ड्रॉ, ओके 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 फाइन, लकी ड्रॉ, यस लकी ड्रॉ होते हैं. लकी ड्रॉ में भी जस्ट बस ऐसे किसी का भी निकालेंगे करेंगे और फिर समथिंग कुछ भी गिफ्ट वगैरह होगी फिर वो उनको देंगे, जिनने भी कूपन लिए हो या फिर लकी ड्रॉ में कुछ उन्होंने भरा हो कुछ फॉर्म वगैरह, वो लकी ड्रॉ के फॉर्म्स भरवाते हैं ना, ऐसे सब हम लोग मॉल्स वगैरह में जाते हैं या क्या. तो ओके क्या लिख रहे हो विकास, पार्टीज अरेंज करना अपने डीलर्स के लिए जैसे यूट्यूब करता है. ओके फाइन, ये जो आप बोल रहे हो ना दिस इज नॉट अ सेल्स प्रमोशन टेक्निक, लेकिन ये चीज मैं पब्लिक रिलेशन में बोल सकती हूँ, पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने के लिए ये अपने डीलर्स के लिए या फिर जैसे कंपनीज अपने रिटेलर्स के लिए करती है या होलसेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कुछ करती है, वो पब्लिक रिलेशन में मैं इंक्लूड कर सकती हूँ ऐसा. अच्छा साहिल ने क्या बोला है, हाँ 5000 के ऊपर परचेज करोगे तो स्क्रैच कार्ड्स. ओके यस हाँ ये सब चीजें भी सेल्स प्रमोशन में आ जाता है ऑफ कोर्स. हाँ वो सब कूपन्स और ऐसे सब में आ जाएगा, जैसे ब्रांड फैक्ट्री में हम लोगों ने बोला ना कि कूपन्स होते हैं भाई 10,000 से ऊपर शॉपिंग करोगे तो ऐसा, या हाँ जूही ने भी ये चीज, मैंने साहिल वो कूपन्स में लिख दिया है ये जो आपने बोला ना जिस तरीके से पार्टीज में आप विकास आपने जो बोल रहे हो ना कि जो पार्टीज ऑर्गेनाइज करनी है उसमें न्यू प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कर सकते हैं हम लोग अपने प्रोडक्ट्स का, लेकिन वो चीज है ना पब्लिक रिलेशन में आएगी,
कभी भी ऐसे मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, ये सब है ना, कॉन्फ्रेंसेस करना, सेमिनार्स करना, वर्कशॉप्स करना, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना, वो हम लोग पब्लिक रिलेशन में पढ़ेंगे, वो सेल्स प्रमोशन में नहीं आएगा, समझे? सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करना, ओके, हाँ, फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूशन, मैं लिख सकती हूँ, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, यस, काफी बार होता है ऐसा कि वो टेस्ट करवाते हैं या फिर फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, रूरल मार्केटिंग में ऐसा बहुत होता है, रूरल मार्केटिंग में वो लोग है ना, जैसे शैम्पूज वो यूज नहीं करते ना रूरल एरियाज वाले, तो उनको है ना वो फ्री सैशे देते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, तो इनको इवन दिखाते भी है, यूज करके दिखाते हैं, उनके हेयर वॉश करते हैं वो लोग, ऐसा सब कुछ भी होता है यहाँ, उनको फ्री सैशेज, भाई तुमने वॉश करवाया और उसके बाद फिर फ्री सैशेज उनको 5 दे दिए, ऐसा कर दिया, तो वो सब कुछ होता है, यस, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। संदेश न्यूज़पेपर में भी फ्री सैंपल आया था, ओके, मतलब कोई भी नया कोई भी प्रोडक्ट होगा ना तो वो इस तरीके से फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि कस्टमर्स उसको यूज करें और फिर उनको अच्छा लगे तो वो परचेज करें, ऐसा होता है काफी बार। इवन रिटेल आउटलेट्स पे भी बताऊं मैं आपको, कंपनी सब टेस्ट करवाती है, जैसे है ना, सिर्फ कस्टमर के लिए नहीं, इवन रिटेलर्स में भी ऐसा होता है, जैसे रेडबुल, ठीक है, जब भी रेडबुल कंपनी आई तो पहले वो टेस्ट करवाएगी, या फिर बेवरेज की कोई न्यू कंपनी आती है, जैसे स्टिंग है, और ऐसे न्यू न्यू कंपनीज है ना, अभी अभी जस्ट रिसेंटली उन्होंने स्टार्टअप किया हुआ है, तो वो है ना रिटेलर्स को टेस्ट करवाती है कि भाई ये चीज अच्छी है आप पीकर देखो, और फिर रिटेलर्स को समझ में आता है ना तो वो प्रोडक्ट उनके शॉप पे रखते हैं, ऐसा होता है जनरली, ओके। कुरकुरे पे 1 GB नेट फ्री, हाँ वो चीज तो इसके अंदर आ ही जाती है, हम लोगों ने मतलब ये डिस्काउंट्स में हम लोग ले लेते हैं, ये डिस्काउंट्स के अंदर ये सारी बातें आ जाती है हमारा, या एडिशनल गिफ्ट्स जो भी हो गया, एक्स्ट्रा बेनिफिट हम लोग बोल सकते हैं, या फिर एडिशनल गिफ्ट्स में ये सब चीजें आ जाती है सारी की सारी, बाय वन गेट वन और ऐसा सब कुछ, ओके। सो और कोई सेल्स प्रमोशन टेक्निक आप अपना सकते हो, कोई प्रोडक्ट की आपने देखी हो, मॉइस्चराइजर्स पे, क्रीम्स पे, और जो डेली पर्सनल प्रोडक्ट्स होते हैं ना उन पे ऐसा बाय वन गेट वन, या फिर बड़ा लो तो छोटा फ्री, ऐसा सब कुछ होता है, या फिर वो पैराशूट की बड़ी बॉटल लो तो उसके साथ छोटी, या फिर उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा हो, ऐसा सब कुछ हो सकता है, ये सब जो भी जितनी चीजें हैं वो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स ही है, यस। और कोई आपके दिमाग में हो, एनीवन? यस रोहित, आप कोई सेल्स प्रमोशन टेक्निक अपनाते हो? डिस्काउंट्स भाई, कि आपको डायरेक्टली जो बोला जाता है वैसा ही करना पड़ता है, या कुछ आप एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ लगाते हो, कैश डिस्काउंट्स, ये डिस्काउंट्स में आ गया ना, कैश डिस्काउंट्स, ट्रेड डिस्काउंट्स एंड ऑल, ये सब चीजें आ गई, क्या करते हो रोहित, कौन सी टेक्निक अपनाते हो आप सेल्स बढ़ाने के लिए? हाँ हम लोग वो तो निकालना भूल ही गए, सेल निकालना, जो भी चीज ले जाओ 300 रुपए में 100 रुपए में, वो सरोजनी नगर हॉल्स काफी लोग करते रहते हैं यूट्यूब पे दिल्ली में, तो उधर होता है ना कुछ भी ले जाओ 100 रुपए में कुछ भी ले जाओ, सेल निकालते हैं, बट वो क्या बोलते हैं स्टॉक क्लियरेंस करना होता है उनको, दैट इज एक्चुअली, हाँ सेल हम लिखना वो तो भूल ही गए, मेन तो सेल करना, सेल निकालना, जैसे नेशनल हैंडलूम में और इन सब में भी सेल लगी है, ऐसा सब कुछ बहुत बार हम लोगों ने देखा है, या इवन तो सेल में ये सब चीजें आ जाती है, स्टॉक क्लियरेंस करना ना, ओल्ड स्टॉक सेल करते हैं, यस, उसको फटाफट क्लियर करना है होता है, तो इस वजह से सब सेल में निकालो भाई, जिसके भी जितने भी रेट्स है सब आधे कर दो, या फिर सब एक जैसा कर दो, 300 रुपए 300 रुपए जो लेना हो 300 रुपए, ऐसी सब चीजें हम लोगों ने स्ट्रीट शॉपिंग में बहुत देखी हुई है, इधर सेल लगी है, या इवन हम लोग देखते हैं बहुत बड़े बड़े शोरूम्स में भी ऐसा लगता है सेल 50% ऑफ, ऐसा सब कुछ करके, और हम गर्ल्स तो सीजी रोड पर चली जाए अगर सेल वेल लगी हो गर्ली वर्ली में तो उठा कर ही लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ तो लेकर ही आएंगे, तो इस तरीके से सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स की जाती है जनरली, राइट?
अब हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर से कि टेक्स्ट बुक में आपके क्या क्या दिया हुआ है। सेल दी हुई है, डिस्काउंट दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट कूपन है, गिफ्ट है, एडिशनल गिफ्ट है, लकी ड्रॉ है। यस, हम लोगों ने ईएमआई की बात नहीं की, इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो मोबाइल फोन्स पे अभी आजकल अवेलेबल है कि भाई ले जाओ और इंस्टॉलमेंट में पैसे पे करो और एंड 0%। इतने बड़े बड़े उसके बैनर्स, ये जैम में वाला और ये जितने भी मोबाइल फोन है सरदानगर वाले, वो सब इतने बड़े बड़े पैम्पलेट वो करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, देन बड़े बड़े बैनर लगाएंगे, ये वाला क्या भाई, फैसिलिटी ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन्स ये वाला भी है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सैंपल्स, ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिशन। बस इन्हीं के, ये जितनी भी आपने बताई ना सब चीजें, बस इन्हीं के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। मतलब आप सोचो कि आपने एक लुक भी नहीं दिया बुक के अंदर और आपने इतनी सारी चीजें बताई। मतलब मैं वही बोल रही थी कि मार्केटिंग चैप्टर ऐसा ही है कि हम लोग इवन अगर नहीं भी पढ़े तो भी हम लोग आराम से वो आंसर को लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, चलो हम लोग फटाफट से एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। सो सेल सबसे पहला, सो हम लोग इसकी बारे में बात करें, सेल लगी वो वाला। सो व्हेन द प्रोडक्ट इज ऑफर्ड एट अ लो प्राइस देन इट्स एक्चुअल प्राइस। कोई भी टॉप ले जाओ 300 रुपए, कोई भी टॉप ले जाओ, कोई भी सैंडल ले जाओ, कोई भी फुटवेयर ले जाओ, ऐसा सब कुछ। ठीक है, सो ऐसा जो लो रेट रहता है एक्चुअल प्राइस से, इट इज नोन एज अ सेल। जनरली सच टेक्निक्स यूज बाय बिजनेस यूनिट टू रिड्यूस द क्लोजिंग स्टॉक, बाय स्टॉक क्लियर करने के लिए ये चीज की जाती है। फिर आ जाता है डिस्काउंट। सो व्हेन एक्चुअल प्राइस चार्ज फॉर द प्रोडक्ट इज लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस, इट इज नोन एज अ डिस्काउंट। सो आप लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये सब कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ है, मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी बिकॉज यू आर द अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स आई थिंक सो, है ना, तो आप लोगों को सबको ये सब आता है। समटाइम्स डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट डिस्काउंट, बेच देते हैं डिस्काउंट पर सो दैट कस्टमर्स वुड गेट अट्रैक्टेड। कुछ थोड़ा सा ऐसे डिफेक्टिव वाला थोड़ा सा ही होता है ना, तो भी भाई डिस्काउंट में निकाल देते हैं, हाँ ठीक है। फिर एडवर्टीजमेंट कूपन्स, सो इन दिस टेक्निक द मार्केटिंग मैनेजर चेक्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द एडवर्टीजमेंट एंड कस्टमर्स आर आल्सो गेट द बेनिफिट्स। हियर द कस्टमर्स आर टोल्ड टू ब्रिंग द कटिंग ऑफ द एडवर्टीजमेंट और द पैकिंग मटीरियल ऑन व्हिच दे हैव दे आर गिविंग मॉनेटरी बेनिफिट ऑन देयर परचेसिंग। आपको पता है इवन वो है ना न्यूज़पेपर में से हम लोग है ना न्यूज़पेपर जब उसके अंदर कुछ आता था और हम लोग है ना ऐसा छोटा सा कट करते थे और फिर है ना उसको पेस्ट करते थे, फिर जब वो न्यूज़पेपर वाले को हम लोग देते थे ना तो हम लोगों को गिफ्ट मिलती थी। कोई ऐसा करते हैं अभी भी, कोई है आपके घर में ऐसा? हमने ऐसा बहुत किया है तो मुझे याद है वो चीज, अभी होता है नहीं होता पता नहीं भाई, पहले होता था ना। हाँ वो उस न्यूज़पेपर में से फर्स्ट 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 पेज पे वो कटिंग आती है, उसको कट करके अच्छे से फिर हम लोगों को वहां पे स्टिक करना था जैसे पूरा, अभी नहीं आती ना, पहले ऐसा होता था, फिर हम लोगों को कुछ ना कुछ उसके अंदर से गिफ्ट मिलती थी, फिर या तो दो कांच की ऐसे मग्स मिलेंगे या फिर क्या ग्लासेस मिलेंगे, ऐसा सब भी होता था, या तो कोई प्रोडक्ट मिलेगा वही कंपनी का, या बाघ बकरी के रिलेटेड भी ऐसा सब कुछ बहुत होता था, या बाघ बकरी भी टी के साथ वो एक छोटा सा कप फ्री, ऐसी सारी आइटम्स भी बहुत होती थी। हाँ घर की चीजें मिलती थी वो न्यूज पेपर में से, ऐसा बहुत होता था। सो कस्टमर्स, हाँ कस्टमर्स को बोला जाता है कि भाई ये कटिंग करके, जैसे कुरकुरे वाला एग्जांपल आप ले सकते हो ये एडवर्टीजमेंट कूपन के अंदर, कि कुरकुरे का जो बोलते हैं ना भाई ये वाला कटिंग करके तुम ले आओ, और मतलब वो संभाल के हमको रखना पड़ता था, वो ले आओ और फिर है ना तुम्हारा 1 GB डेटा करके देंगे फ्री, या फिर अभी तो आजकल तो क्या हो गया हम लोग खुद भी कर सकते ये सब चीजें, या तो हम लोगों को जाना पड़ता था सेलर के पास। कुरकुरे में पहले बहुत, मैं जब छोटी थी ना तब ऐसा हुआ करता था कि कुरकुरे की जो बैग्स आती है ना वो प्लास्टिक वाली, उसको इकट्ठा करो कुछ 10-15 कुछ इकट्ठा करो, फिर आपको है ना कुछ गिफ्ट मिलेगी, ऐसा भी होता था बहुत सारी चीजें। मैंने अंकल चिप्स में भी ऐसी सब चीजें होती थी पहले के, बहुत पहले। सो एडवर्टीजमेंट कूपन में वही की कटिंग करके ले आओ और फिर तुमको वो कर कर देंगे जो भी उसका बेनिफिट होगा। या इवन मैंने ये भी चीज देखी पेप्सी पे भी वो कोड कुछ लिखा हुआ आता था उसकी बॉटल के ऊपर, वो कोड हम लोगों को याद करना होता था या हम लोग वो लेकर जाते थे और फिर हम लोगों को कुछ मिलता था उसके रिटर्न, ऐसे पेप्सी या कोका कोला पे भी होता था ये।
So here the customers are told to bring the cutting of advertisement or the packing material on which they are given monetary benefit on their purchasing. ठीक है, तो ये advertisement coupon हो गया. फिर है gifts. So तीन साबुन के साथ एक साबुन free. ये तो pack चलता ही है हमेशा. या संतूर के साबुन के साथ एक pen free. ये तो कॉमन सी चीज है. बड़ी कोलगेट के साथ छोटी कोलगेट फ्री. कोलगेट के साथ ब्रश फ्री. पेप्सोडेंट का लो तो ये ब्रश फ्री. ऐसा सब बहुत बार होता है. सो और वो भी होता है ना, कोलगेट में 25% एक्स्ट्रा टूथपेस्ट, या फिर केचप में ऐसा होता है एक्स्ट्रा टूथपेस्ट वगैरह सब कुछ. सो समटाइम्स अ स्मॉल गिफ्ट इज गिवन अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट. For example, giving one soap free on purchasing of three soap, उसका पैक ही बना हुआ आता है, वो चार का, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि भाई एक आपको free मिल ही रहा है, ऐसा पूरा wrap किया हुआ ही आता है, उसका packing ही ऐसा होता है. Then sometimes more quantity is given on the same price by 20% extra, ऐसा सब होता है ना. Biscuits में 20% extra, वो जो महंगे महंगे वाले biscuits होते हैं ना, उसमें ऐसा हो जाता है by 20% extra. और रक्षाबंधन के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे, डेरी मिल्स में, सेलिब्रेशंस में, चोकोपाइज में, कुकीज में, ऐसे सारे बहुत सारे ऑफर्स निकलते हैं भाई. बड़े चोकोपाई के साथ एक छोटा सा, जो छोटा वाला चोकोपाई आता है वो फ्री, ऐसा जिसके अंदर तीन आई थिंक चोकोपाई हो, और बड़े वो 12 वाला पैक के साथ वो तीन वाला पैक फ्री, ऐसा भी होता है. राइट, सो बहुत सी, और या तो 20% 30% एक्स्ट्रा. हाँ, शैम्पूज में भी हम लोग देखते ही है, क्लीनिंग प्लस के ऊपर आता है 10% एक्स्ट्रा, डव के साथ जैसे कुछ फ्री हो या क्या. सो फॉर एग्जाम्पल गिविंग 20% मोर शेविंग क्रीम एट द सेम प्राइस, ऐसा सब कुछ जनरली होता है. ठीक है, तो ये सब चीजें आती है गिफ्ट में. एडिशनल गिफ्ट में, लुकिंग एट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर, फ्री एडिशनल गिफ्ट आर गिवन अलॉन्ग विद द मेन प्रोडक्ट. जैसे गिविंग टूथब्रश विद द टूथपेस्ट, समथिंग प्रोडक्ट नॉट रिलेटेड विद द मेन प्रोडक्ट इज गिफ्ट. जैसे मैंने आपको बताया भाई प्रोडक्ट का रिलेशन नहीं होता है तो भी, जैसे कि मैंने बोला संतूर के साबुन के साथ पेन फ्री, ऐसा एडवर्टीजमेंट भी आती है उसके रिलेटेड. सो जैसे इसमें भाई एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि वन बॉल पेन फ्री ऑन परचेजिंग ऑफ सोप, 4 यूनिट्स ऑफ द सोप, ऐसा. फिर लकी ड्रॉ भी है. So in this technique the customer is given a coupon as a code. वो दिया जाता है हम लोगों को, यहाँ वो फिल करवाते हैं लकी ड्रॉ सी टाइम पे, और फिर ऐसे जस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं. ये मॉल्स और ऐसे सब शोरूम्स वगैरह में बहुत सारा होता है. ऑन अ पर्टिकुलर डे फिर रिजल्ट्स आती है, डिक्लेयर किया जाता है, प्राइजेस वगैरह होते हैं, आर गिवन टू द विनर्स. फॉर एग्जाम्पल भारत पेट्रोलियम गिव्स प्राइज विनिंग कूपन्स ऑन बाइंग अ पेट्रोल ऑफ 200 और मोर. यहाँ पे एग्जाम्पल भारत पेट्रोलियम का दिया हुआ है, देखना तो देता है कि नहीं देता है. ऐसे 200 के ऊपर पेट्रोल को रहा तो कूपन दे अपने को, फिर उसको लेके जाने का फिर लकी ड्रॉ हो. हमारे यहाँ पे भी वो भारत पेट्रोलियम ही है, ये वाला इंदिरा ब्रिज पे जो है. फिर है फैसिलिटी ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन्स. तो दिस टेक्निक इज यूज व्हेन द प्रोडक्ट इज हाई प्राइस एंड द कस्टमर कैन नॉट अफोर्ड to pay the amount altogether. So ये रबाड़ी लोग इतने बड़े बड़े जो फोन्स लेके घूमते हैं, इतने महंगे महंगे फोन्स, वो ऐसे ही लेते हैं, वो EMI पे लेते हैं. उनकी सैलरी क्या होती है, उनकी सैलरी 15,000-20,000 की सैलरी होती है, और वो लोग इतने वीवो के इतने पॉपअप वाला लेंगे, वही पॉपअप कैमरा वाला फोन लेंगे, और उससे महंगे महंगे वाले फोन लेंगे. ये ऐसे इस तरीके से लेते हैं वो लोग फोन्स, और लेके घूमते रहते हैं बस लकड़ी हाथ में स्प्लेंडर वाइक पे घूमते रहते हैं. उनको चलाने आता नहीं है फोन, मैसेज करने भी नहीं आता, टेक्स्ट करने भी नहीं आता. अभी तो बहुत सारी चीजें आ चुकी है, अभी तो आप ऐसे ही जस्ट बोलकर भी आप लिखी मतलब बात कर सकते हो सब कुछ. सो दिस टेक्निक इज यूज व्हेन द प्रोडक्ट इज हाई प्राइस एंड कस्टमर कैन नॉट अफोर्ड टू पे द अमाउंट ऑल टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल गिविंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स ऑन बाइंग अ टेलीविजन सेट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक में ऐसा सब कुछ होता है जनरली. हियर द कस्टमर कैन बिगिन द यूसेज ऑफ प्रोडक्ट By paying a small amount for it, by use करते रहो, और फिर simply पैसा भी बढ़ते रहो, हर महीने 2,000-1,000 रुपए जितना बढ़ते रहो. क्या क्या बोल रहे हो जैश? अब ये बोल रहा है कि वेल्डिंग वाले भैया है उसके पास KTM, आए हुए क्या बात है, सही है, तो ऐसे ही ली होगी. वेल्डिंग वाले भैया, वेल्डिंग वाले भैया KTM चला रहे हैं, हम लोग ही रह गए यहाँ पे.
हम लोगों का जीवन ऐसे ही जा रहा है, वीवो में से काम चला रहे हैं। चलो नेक्स्ट बताया डिस्ट्रीब्यूटिंग सैंपल्स, हम लोगों के पास यूं ही एक्टिवा हो यूज कर रहे हैं, या फोन्स में भी देखो हम ऐसे बेचारे समझ के चल रहे हैं हर चीज को कि हाँ ठीक है इसमें से काम चल रहा है तो चलाओ। हाँ अपना टाइम आएगा भाई, हम लोग भी दिखाएंगे। नहीं हमको शोबाजी करने नहीं आती ना कुणाल, इसलिए हम लोग चुप करके बैठे हैं, हम लोगों को शो ऑफ नहीं है ना इतना ज्यादा। चलो फिर है डिस्ट्रीब्यूटिंग सैंपल्स। सो सम टाइम सैंपल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द गुड्स आइटम्स, गुड आइटम्स आर द लो प्राइस प्रोडक्ट्स। जनरली द सैंपल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली फॉर द कस्टमर टू एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट, दैट इज शैम्पू सोप ऑयल एक्सेट्रा आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट इन द स्मॉल सैशे। सो ये जो है ना स्मॉल सैशेस वगैरह, ये जनरली मैंने बोला ना आपको ये सब चीजें होती है रूरल एरियाज में। हम लोगों के लिए स्मॉल सैशे मतलब ट्रैवलिंग बैग के अंदर हमारा सब कुछ आ जाए भाई, दो चार शैम्पू आ जाए, ऑयल की छोटी बॉटल आ जाए, पेस्ट छोटी आ जाए, हम लोग इस वजह से लेते हैं अर्बन एरिया में जनरली। बाकी रूरल एरियाज में उनको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं ताकि वो उस चीज को यूज करे, ऐसा हमारे अर्बन एरिया में ट्रैवलिंग के लिए काम आता है। हम बड़ी पेस्ट थोड़ा लेके जाते हैं ट्रैवलिंग करने, कभी भी जाते तो हमेशा वो छोटी वाली कोलगेट लेंगे या क्लोजअप लेंगे हम लोग, ऐसा करते हैं। और वो मुझे ना इस चीज से ना कि हम लोग ट्रैवल बैग वगैरह उससे ना मुझे मिस्टर बीन याद आ रहा है अभी। वो मिस्टर बीन वो ब्रश को भी तोड़ देता था और वो छोटा सा बस उसके बैग में आ जाना चाहिए, सारी पेस्ट भी खाली कर देता था और बस इतनी छोटी पेस्ट उसको यूज होनी चाहिए जब भी वो ट्रैवल करे। आप अगर मिस्टर बीन देखते होंगे तो, बिकॉज मैं बहुत देखती थी मिस्टर बीन, सबसे फेवरेट हमारा सबसे फेवरेट होता था जब हम लोग छोटे होते थे। मैं थी आई थिंक थर्ड स्टैंडर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड वगैरह में। आपको पता है हम लोग क्या करते थे जनरली, दोपहर को हमारी पढ़ाई कंप्लीट कर देते हम लोग सारी, फिर हमारी शाम जैसे ही होती थी ना तो जैसे ही 6 बजते थे, 6 बजे से लेकर कंटिन्यूअसली 8 बजे तक हम लोग बाहर खेलेंगे, हमारा सब फिक्स होता था हर चीज। एक सेकंड खाली ना, एक सेकंड मैं खाली पानी लगाऊंगा, बंद हो जाएगा ये नहीं तो। हमारा है ना 8 बजे तक हम लोग खेलते थे, हमारा फिक्स था। हम लोग पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, लॉक एंड की खेलेंगे, बित बितानी खेलेंगे, च्युइंगम खेलेंगे, और नदी पर्वत ऐसी ऐसी गेम्स हम लोग खेलते थे 6 से 8 बजे तक, हमारा फिक्स सब पूरे गली वाले सारे के सारे। और उसके बाद 8 बजे सबको पता होता था सब लोग हमारे घर पे आएंगे और सब बच्चे एक साथ बस ऐसे फोल्ड योर हैंड्स करके हम लोग टीवी के सामने मिस्टर बीन देखते थे 8 बजे। ऐसा करते थे हम लोग। तो आज भी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं बोर हो रही हूँ या कुछ हो रही हूँ, मैं YouTube पे मिस्टर बीन खोल के रख देती हूँ कि हाँ यार मैं कुछ देखूँ, मूड ठीक करूँ मैं अपना, ये चीजें देखते रहते हैं हम लोग। हाँ वो कार में भी लॉक ही करता है। हाँ मुझे पता है ये सब चीजें, मैंने हर एक एपिसोड उसका देखा हुआ है। हम लोग खेलते थे वो बितारी, वो ऐसे हम लोग वॉल्स को टच करते करते, भाई जो भी वॉल को छोड़ देगा ना तो वो हार जाएगा, उसको अगर उसने पकड़ लिया किसी ने तो हम लोग ऐसे वॉल्स को टच करते ही रहना है कंटिन्यूअसली, एक दूसरे से इधर से उधर जाना है तो भी हमारा वॉल पे टच होना चाहिए, अगर कोई पकड़ ले जो मतलब दाम दे रहा हूँ ना तो वो पकड़ ले ना, अगर हमारा हाथ नहीं हो वॉल पे तो हम लोग आउट, ऐसे सब चीजें। ये सब चीजें करते थे भाई, मजा थी यार, बहुत अच्छा था हमारा लाइफ। अभी तो टेंशन ही हो गया है जिंदगी में। हाँ तो वो भी गेम अच्छी है कुणाल, वो भी अच्छी गेम है। चलो आ जाते हैं हम लोग फिर से, नेक्स्ट आ जाता है लास्ट वन, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन। सो द प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइज कंपटीशन इन ऑर्डर टू प्रमोट हिज न्यू प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल द कंपनी मेकिंग क्रेयॉन्स
फॉर चिल्ड्रेन वुड कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर बाय ऑर्गेनाइजिंग ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन फॉर देम बिफोर लॉन्चिंग न्यू कलर्स इन द मार्केट एंड हियर द विनर गेट द न्यू प्रोडक्ट एज अ प्राइज. और उनको क्रेयॉन्स ही मिलते थे ऐसे बच्चों के लिए, और ऐसे आई थिंक 6 to 14 ईयर्स वाले बच्चों के लिए जस्ट ऐसे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करते हैं. न्यूज़पेपर्स में भी ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन आते हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उनका जो गिफ्ट होता है वो कंपनी का प्रोडक्ट ही होता है. तो ये सब चीजें सेल्स प्रमोशन में आ जाती है. ठीक है. हाँ, अभी तो लोग फोन में बिजी हो गए, फोन में गेम खेलते रहते हैं. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मेरे फोन में एक गेम नहीं है. आई हेट इट. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है फोन में गेम खेलना. फोन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग वो स्नेक वाली गेम खेलते थे, वो भी नोकिया वाले फोन में बस. और कोई गेम मुझे नहीं पसंद है फोन के अंदर ना. मुझे ऐसे ये लैपटॉप्स में गेम्स और ऐसे सब गेम्स पसंद हो. गेम मतलब सिर्फ और सिर्फ आउटडोर, या अगर इंडोर भी तो चेस हो गई, लूडियो हो गया, और या फिर हम लोग कैरम खेले, ऐसे सब गेम्स अपने को इंडोर, बाकी तो आउटडोर ही. अभी क्या इसी वजह से तो बच्चे ऐसे हो गए हैं, ग्रो नहीं हो रहे ना. उनका जो मेन चीज है बच्चे खेलते नहीं है, टाइम नहीं मिलता उनको बच्चों को खेलने का. हम लोग तो गली क्रिकेट खेले, सब चीजें सब करते थे हम लोग, सब चीजें. आप लोगों ने भी की होगी यार. पता नहीं प्रूफ, ये ऐसे फालतू फोन्स पे गेम्स वगैरह समझ में नहीं आता है भाई. वो दिन अच्छे थे और वो हमारे ग्रोथ के लिए भी अच्छे है काफी. मैं तो आज भी बोलू ना, आज भी मुझे अगर दिखेगा कि संडे को बच्चे अगर मेरे गली में या मेरे पीछे वाली गली में क्रिकेट वगैरह खेल रहे हो, तो मैं सब कुछ छोड़ के उनके साथ चली जाती हूँ. चलो 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 हम लोग खेलते क्रिकेट भाई. हाँ, आउटडोर गेम्स ही अच्छी होती है. हाँ यार, तुम लोग कर लेते हो, बट अभी जैसे मुझे टाइम नहीं मिलता है, पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला जाता है तुम बच्चों के साथ ही. ओके okay.